हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए जो हमने मैथ्स का जो चैप्टर वीडियो शुरू किया था, जिसका नाम है फ्रेंड्स इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। आज इसका आखिरी लेक्चर आप लोग का लास्ट लेक्चर रहेगा ये पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसका नाम है फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 6। एंड ये पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। तो इसके पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 5 हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर जो दिया जाता है उसका क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, और उसके बहुत सारे टाइप्स देखे थे, जैसे कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, निगेटिव नंबर का कैसे क्यूब रूट निकाल सकते हैं, या फिर अगर बोला जाए पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, इवन हम उसका क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, ये सभी चीज हमने देखा हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज जो लेक्चर नंबर 6 में, उसमें आपको मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि किस तरह से हम लोग वो चीज जो किया था हमने कल के दिन प्रैक्टिस किया था, आज उसका हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन बता दूं, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला जो है फाइंड द क्यूब रूट रहने वाले नॉर्मली, उसको सोल्व करेंगे, एंड दूसरा जो है सिंप्लीफाई है जिसमें कुछ फ्रैक्शनल फॉर्म में सम दिए हुए वो हम लोग सोल्व करेंगे। तो आपको बस ये वीडियो को स्किप नहीं करना है और आपको ये वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है आपको, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए प्रैक्टिस से 3.3 का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हेडिंग डाल लेते हैं जिसका नाम है यहाँ पे पूछा है हमें फाइंड द क्यूब रूट। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, जो भी नंबर्स दिए रहेंगे इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, फाइंड द क्यूब रूट। सबसे पहला जो नंबर है, पहला एग्जांपल आपके लिए वो दिया हुआ है, नंबर है आपके लिए यहाँ पे 8000, आपको निकालना है 8000 का क्यूब रूट। तो 8000 का क्यूब रूट निकालने के पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा, याद होगा कि मैंने आपको कुछ प्रोसेस बताए थे, वो आपको याद रखना है बस, कि कोई भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के पहले उसका हमें निकालना होता है फैक्टर्स, एंड फैक्टर्स का बाद में हम लोग को क्या करना है, तीन का जोड़ी बनाना होता है। ठीक है, तो फैक्टर्स जब भी हम लोग बना लेंगे तो उसका तीन का जोड़ी कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो जो फैक्टर्स निकालना है वो आपके ऊपर होता है। दो तरीका मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, HCF जैसे हम लोग निकालते थे, LCM जैसे निकालते थे, आपने 7th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा था सेम मेथड का यूज करना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, बस आपको यहाँ पे देखने जाना है ताकि आपको फिर से याद आ जाए। तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे 8000 का। तो मैं यूज करने वाला हूं हमारा वर्टिकल मेथड का, जो हम लोग फैक्टर्स निकालते थे। ठीक है, तो आपको बस ऐसे कुछ कॉलम्स बनाने होते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, ऐसे कुछ कॉलम्स बनाने होते हैं एंड उसके बाद आपको फैक्टर्स निकालना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8000 आप जिसका नंबर निकालना चाहते हो वो यहाँ पे लिख दो, फिर आपको ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है उससे इसको डिवाइड करना है जो कि हो सके स्टार्टिंग फ्रॉम 2। ठीक है, 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरली। ठीक है, आप देख सकते हो इवन नंबर है तो 2 के टेबल में जाएगा, तो आप देखोगे 2 के टेबल में 8 जो है 2 4 8 होता है और बाकी 3 जो अपने आप आ जाए इसके सामने। ठीक है, वैसे ही वापस से ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 4 होता है। ठीक है, एंड बाकी 3 जीरो अपने आप इसके पास आ जाएंगे। वैसे फिर से आप देखोगे तो 2 1 2 होता है एंड बाकी 3 जीरो अपने आप इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इजी हो गया ये चीज, इसको फैक्टराइज करना। फिर 1000 में आपको पता है कि 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 500 करूंगा तो 1000 आ जाएगा। 500 के लिए अगेन कैसे कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 250 करूंगा तो मेरा 500 फिर से आ जाएगा। 250 के लिए भी मैं लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय आप क्या करोगे, कितना हो जाएगा, 2 1 2 हो गया, 2 2 4। ठीक है, एंड 2 5 10 125 करना पड़ेगा, मतलब 2 125 250। यहां तक तो आपको आ गया, अब ये 125 आ गया, अब इसको आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नया नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो आप 3 से देखो ऑब्वियसली, तो आप देखोगे तो 125 सीधा 5 से करके देखो तो 525 कितना हो जाएगा आप लोग का, 125 हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसको थोड़ा और लंबा खींच लो छोटा छोटा, ठीक है, ताकि हम लोग का स्पेस कम ना पड़े। ठीक है, फिर ये 5 5 25 होता है। ठीक है, एंड ये फिर से 5 1 5 होता है, तो लास्ट में 1 आ गया, यहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है। ठीक है, कब तक लिखना होता है, कब तक फैक्टर्स निकालने होते हैं, जब तक लास्ट में 1 नहीं आता। तो ये आपने किया हुआ है ऑलरेडी, कुछ नया नहीं आप लोग, मैंने आपको ऑलरेडी 7th में आपने पढ़ा है और ऑलरेडी आपने जो इसके पहले का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5 जो था, उसमें भी मैंने आपको बताया किस तरह से फैक्टर निकाला जाता है। अब आपने इसको क्या निकाल दिया, फैक्टर्स निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको लिख देना है आपके बोर्ड के ऊपर या फिर आपका जो बुक होगा लिख देना है। तो हम लोग को निकालना क्या है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट 8000 को कैसे लिखूंगा मैं, ऐसा लिखते हैं हम लोग क्यूब रूट ऑफ, इधर पे 3 लिखते हैं। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 8000 विल बी इक्वल टू, अब कैसे निकाला जाता है इसको, सबसे पहले इसकी जोड़ियां बनानी पड़ती है आपको, जोड़ियां मतलब 3 की जोड़ियां, क्योंकि आप क्यूब रूट निकाल रहे हो, क्यूब निकाल रहे हो मतलब 3 टाइम्स में निकाल रहे हो, तो आपको पहले ये नंबर्स को लिखना होता है। तो आप नंबर्स लिख दो, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूं अलग से। ठीक है, जो कि हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 लिखना है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 5 5 1 2 3 4 5, 6 बार मैंने 2 लिख दिया और कितने बार 5 है, 1 2 3, 5 बार, सॉरी 3 बार 5 है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूं, यहाँ पे ये आपके फैक्टर्स हो गए। अब जैसे मैंने बोला था कि क्यूब रूट जब भी निकालना होता है तो हमें 3 3 की जोड़ियां बनानी होती है, तो आप देखो 3 3 की जोड़ियां बनती है क्या, तो आप देखोगे ये 2 की 3 जोड़ी बन रही है, तो अब मैंने एक
टू की तीन जोड़ी को एक लाइन में खींच दिया, उसको मार्क कर दिया, फिर से टू की तीन जोड़ी बन रही है क्या, वन टू थ्री बन रही है, यस। तो यहाँ पे अगेन मैंने मार्क कर दिया, फिर बाकी जो नंबर है फाइव उसकी तीन जोड़ी बन रही है, यस बन रही है, तो इसको भी मार्क कर दिया। मतलब तीनों नंबर की तीन तीन जोड़ियां बन गई, और बननी ही चाहिए, नहीं तो आपका क्यूब रूट नहीं निकलेगा, और बनता ही है, डोंट वरी। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी जोड़ियां बनेगी, बट आप लोग को ये फैक्टर जो है सही से निकालना आना चाहिए। अगर आपने गलत निकाल दिया तो आपका यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इससे पता चल जाता है। अब आपको क्या निकालना है, इसका रूट निकालना है, तो अगेन आप क्या करोगे, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 8000 लिख दिया। अब आपको करना यही है कि जो आपने जितनी भी जोड़ियां बनाई वो नंबर यहाँ पे लिख देने। तो किसकी टू की जोड़ी बनी है, तो एक टू, ये फिर से टू की जोड़ी बनी है, मल्टीप्लाई बाय टू, ये फिर से फाइव की जोड़ी बनी है, तो मल्टीप्लाई बाय फाइव, ये तीन नंबर की ही जोड़ी बनी है, ठीक है, तीन तीन बार में। तो आपको ये तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप देखोगे मल्टीप्लाई करके, तो टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर, फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव इज 20, तो आपका आंसर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8000 विल बी इक्वल टू, आगे आपका आंसर 20, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे आंसर खत्म हो गया। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो क्यूब रूट ऑफ 8000, एंड उम्मीद करता हूं कोई भी नंबर हो उसका क्यूब रूट हम लोग निकाल सकते हैं, और ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर वन का ही एक और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं, जो कि आपका 729 दूसरा नंबर है, ये भी मैं आपको करा देता हूं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर टू जो है सिंप्लीफाई, इसका भी एक एग्जांपल कराएंगे, एंड आज जो है ये चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आपको बस बने रहना है, ये चीज को देखते रहना है। तो क्वेश्चन नंबर टू जो है क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड एग्जांपल, इसको भी फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमें पूछा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, जो नंबर है हमारे लिए फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, जो सेकंड एग्जांपल है हमारे लिए वो है आपके लिए 729। तो 729 को आपको क्या निकालना है, यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है। फिर से अगेन आपको पहले 729 जो भी नंबर दिया रहेगा, मतलब यहाँ पे 729 है, इसका आपको निकालना है क्यूब रूट, लेकिन सबसे पहले आप निकालोगे उसका फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, अगेन यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ टेबल्स मतलब कॉलम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। यहाँ पे एक बार कॉलम्स आपने ड्रॉ कर लिया तो बहुत इजी होता है, और उसके हेल्प से हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो किसका निकालना है फैक्टर, 729 का निकालना है, तो आप लिख दो यहाँ पे 729। किससे डिवाइड कर सकते हो 729 को, तो आप देखोगे तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा, लेकिन 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो 3 के टेबल में 729 कितने बार में आएगा, 3 2 6 हो गया, 1 बचेगा यहाँ पे 12 हो गया, 3 4 12 और 3 3 9, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 243 करके देखा तो 729 आया। तो ये चीज जो मैंने किया, ये तो मुझे बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो गया मैं इसमें, इसके लिए मेरे को डायरेक्ट याद है, लेकिन आप लोग के लिए अगर बोलूं तो आप लोग को कैसे पता चलेगा कि 729 3 से कट हो रहा है कि नहीं, तो आप डिवाइड करके देख लो साइड में, ऐसे 729 को 3 से डिवाइड कर लो, जो आपका ऊपर आएगा वही यहाँ पे लिख देना है। तो बहुत सिंपल है, ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि किस तरह से हम लोग को करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3 के टेबल में 243 जाता है कि नहीं, ये चेक कैसे करेंगे, 3 8 24 हो गया, 3 1 3 हो गया, 81 आ गया, ठीक है, 81, ठीक है। अब 3 टेबल में 81 फिर से जाएगा, तो देखोगे तो 3 2 6 एंड 3 7 21 आ गया, फिर से 3 9 27 होता है, फिर से 3 3 9 होता है, और 3 1 3 होता है, लास्ट में 1 आ गया, यहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है और फैक्टर्स को लिख देना है, ठीक है। अब आपको फैक्टर्स लिख देना है, तो यहाँ पे 729 जो है आपका नंबर, इसको क्यूब रूट के फॉर्म में लिखना है हम लोगों को, क्योंकि इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 729 का क्यूब रूट विल बी इक्वल टू, ये जितने भी नंबर से आपको लिख देना साथ में, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 लिखना है, 4 हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपको ये देखना है क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जोड़ियां बनानी है, मतलब तीन तीन की जोड़ियां बनानी है। तो आप देखोगे तीन तीन की जोड़ियां बन रही है क्या, यस बन रही है, देखो यहाँ पे तीन की एक जोड़ी बन गई तीन बार में, यहाँ पे तीन की जोड़ी तीन बार में एक बार बन गई। तो आपको वही लिखना है कि आपका जो आंसर है, यहाँ पे मैं आपको इधर पे लिख के दिखाता हूँ, साइड में लिखता हूँ कि क्यूब रूट, किसका क्यूब रूट निकालना है आप लोगों को, 729 विल बी इक्वल टू क्या आया, 3, यहाँ पे 3 का एक जोड़ी है, यहाँ पे एक 3 का जोड़ी है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और आपका आंसर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 729 विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 9 होता है, यहाँ पे आपको लिख देना 9, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज द क्यूब रूट ऑफ द नंबर 729 इज 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का ये चीज खत्म होता है, एंड उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, बहुत फास्ट भी जा रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन कुछ भी इसमें नया नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत क्रिटिकल है यहाँ पे, बस आपको ध्यान से देखना है, और ये देखने के बाद आप लोग को प्रैक्टिस जरूर से करना, जो कि मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल करा दिया, क्वेश्चन नंबर वन का 729 तक मैंने, दूसरा एग्जाम्पल तक करा दिया, तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये चार एग्जाम्पल मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर से इसको होमवर्क में कर लोगे, ठीक है। अब मैं जंप करता हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू जो है सिंप्लीफाई है, और सिंप्लीफाई में कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में क्यूब रूट निकालने के लिए पूछा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके बताया हुआ था, बहुत सिंपल है। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से, एंड बाकी के एग्जांपल आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो जंप करते सीधा क्वेश्चन नंबर टू ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.3। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर टू, ये भी आपको मैं फटाफट से बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर टू, जैसा मैंने बोला आपको पूछा है सिंप्लीफाई करने, हेडिंग डाल लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर टू सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये भी देख लेते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट एग्जांपल, √27/√125, ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपको क्यूब रूट निकालना है
27 अपॉन 125, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन 125। इसको आप कैसे निकालोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है हमारा a अपॉन b का, ये वाला फॉर्मूला, a अपॉन b के ऊपर अगर m लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सबके लिए हो जाता है a रेस टू m अपॉन a रेस टू n, मतलब ब्रैकेट के ऊपर अगर कुछ लिखा है तो वो सबके ऊपर आ जाता है। तो वैसे अगर ब्रैकेट के अंदर ही, मतलब ये पूरा जो a अपॉन b है ये स्क्वायर रूट में है, तो ये भी स्क्वायर रूट में जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट में जाएगा, तो ये अगर ये क्यूब रूट में है तो दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, क्यूब रूट में चले जाएंगे, ये आप लोग को पता है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में ही आपको फॉर्मुलेस एक्सप्लेन किया था, तो आपको यहाँ पे ये करना है कि जो रूट 27, मतलब क्यूब रूट ऑफ 27 और 125 अलग अलग लिखा है, मतलब एक ही साथ लिखा है, इसको आपको अलग अलग कर देना है, तो ये अलग हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 27 अलग और नीचे क्यूब रूट ऑफ 125 अलग, अलग अलग कर दिया। आप सिंपली जैसा आप निकालते थे दोनों के दोनों नंबर का, आपको क्यूब रूट निकाल देना और यहाँ पे लिख देना है। तो आपको एक चीज पता है कि क्यूब रूट ऑफ 27 आप निकालोगे, साइड में आप निकाल के देख लो चाहिए तो, लेकिन मुझे तो पहले से ही आता है, तो आप जब भी निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो फैक्टर जो आएगा आपका वो आएगा, आपको कैसे करना है, रूट 27 का अलग से निकालना है, तो ये आपको ऐसे रहने दो। फॉर एग्जांपल मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाता हूं, तो रूट क्यूब रूट ऑफ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा लंबा मेथड भी बता रहा हूं। तो रूट 27 आप निकालोगे तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, रूट 27 के 3 × 3 × 3, ठीक है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 के ये फैक्टर्स हो गए, तीन की जोड़िया बन रही है तीन बार में, तो आपका जो क्यूब रूट ऑफ 27 डायरेक्टली आ जाएगा आपका 3, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 27 3 आ गया, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। वैसे ही आप किसका निकाल सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 125 का भी निकाल सकते हो, तो क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू, आप देखोगे तो 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, मतलब इसका आप निकाल सकते हो। तो आपको ये पता है कि ये तीन बार में बन रहा है, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125 = 5, ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब आपको ये करना है कि आपका जो इक्वेशन नंबर 2 का आंसर है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 27 का आंसर 3 है, क्यूब रूट ऑफ 125 का आंसर 5 है, इसमें डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप ऐसा एक स्टेटमेंट लिख सकते हो डायरेक्टली कि पुट वैल्यू, किसका वैल्यू आप डाल रहे हो, वैल्यू ऑफ इक्वेशन, किसका किसका, सेकंड एंड 3 का, किसके अंदर डाल रहे हो, इन इक्वेशन नंबर 1 डाल रहे हो। तो क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1 कि क्यूब रूट ऑफ 27 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू, क्या आना चाहिए इक्वल करके हमारा 3/5, ठीक है, जो कि आ जाएगा इसका 3 है और इसका 5 है, इज इक्वल टू 3/5, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको बॉक्स बना दो, डैश मार दो, हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो कोई भी फ्रैक्शन दिया हो उसको आपको पहले अलग अलग करना है, दोनों का अलग अलग आपको रूट निकाल देना है, एक ही साथ भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्टकट हो जाएगा वो, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हो तो भी आपको राइट मिलेगा, फुल मार्क्स मिलने वाला, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि रूट 27 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125 जो है आपका आंसर आता है 3/5। एंड यहाँ पे मैं आज के लिए स्टॉप करता हूँ, बिकॉज बाकी के दो तीन एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 2 के भी, ये आप लोग के लिए मैं होमवर्क देने वाला हूँ, कि मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हमारे वीडियो देखने से ज्यादा आप लोग क्या करो, वीडियो तो देखो लेकिन साथ में उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। मैं चाहता हूँ, जैसे कि मेरा हमेशा से बोलना यही रहता है कि आप लोग को मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सपर्ट बना के छोड़ू, कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो हमेशा गेन करवा के दूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हमारा जो लेक्चर वीडियो हम जो भी बनाते हैं आप लोग के लिए वो समझ में आ रहा होगा, खासतौर पर आज जो हमने पढ़ा कि कैसे हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग बचे हुए एग्जांपल्स को जरूर से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताएगा, और जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट, यहाँ पे टोटली होता है खत्म, यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ। आने वाले जो लेक्चर्स है हमारे उसमें हम लोग न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर चालू करेंगे, तब तक के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो कि चैप्टर नंबर 3 का आखिरी लेक्चर जो कि प्रैक्टिस सेट 3.3 था यहाँ पे टोटली हो चुका है कंप्लीट, फटाफट से आके अटेंड कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।